तो भी नायाब चीज सब ए टू चेड नॉलेज हरिश पंड्या सर नाजिम गुल्ली ओल्ड इज गोल्ड और नाउ दिस इज़ शॉर्ट ऑफ द इवनिंग क्या शॉर्ट खेला है प्रणव ने अनोखा अद्भुत अविश्वसनीय अलौकिक असाधारण अद्वितीय सेवनटी सेवेंटी सिक्स जी हाँ सर देखिए खाने के बाद बाहर निकली थी बॉडी वेट को गेंद के ऊपर डाला इसीलिए कहते हैं एडिया ऊंचाने से ऊंचाइया नहीं मिलती मेहनत करनी पड़ती है ऊंचाइया हासिल करने के लिए गुल्ली की गेंद इस बार फिर से पुल कर दिया है इन आर्क आउट ऑफ द पार्क ये चली और यहां पर मैदान में प्रणव की हवा चली नाजिम गुल्ली की गेंदबाजी को तार तार करती हुई है बल्लेबाजी प्रणव नाम तो सुना होगा क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं कालीकट वायनाड कोची पलक्कड़ सब जगह लोग इस वक्त क्रिकेट देख रहे हैं गल्फ में क्रिकेट देख रहे हैं प्रणव इंडियन टेनिस क्रिकेट का नया सुपरस्टार पैदा हो चुका है इस बार बल्ले का भारी सिरा थोड़ा दूर रखा था गुल्ली ने एक रन और के दर के पास जाते हुई गेंद आगे बढ़ता हुआ तेरा जी आ, सर यहाँ केराला प्रणव के नंबर आज काफी सारे लेने वाले हैं क्योंकि सुपर ओवर चल रहा है एक खास ध्यान रखिएगा इस बार फुल टॉस बॉल थी और राजू यहां पर लौट चुके हैं आउट कर दिया है उन्होंने रोशन राजू को और गुल्ली आखिरकार इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड ठीक है, गोल, है एक आध दो सिक्स जरूर लगे लेकिन गुल्ली गुल्ली है और गुल्ली ने वहाँ पर ये विकेट लिया देखिए किस तरह ये फुल टॉस गेंद जाकर सीधा लेग स्टम्प को उखाड़ती हुई क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में सर नाजिम गुली के पास जितना एक्सपीरियंस है मुझे एक इंटरव्यू में मैंने देखा था नाजिम गुली के साउथ अफ्रीका जब गए थे तो क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज को छह गेंद किया था और क्रिस गेल को तीन ही रन बनाने दिए थे वो नाजिम गुली है देखिए अब यहां पर आ चुके हैं वीवी कन्नन वीवी कन्न अब ये खिलाड़ी मतलब अभी आप पिच पे देखिए बॉस दोनों का शरीर देखिए ये ढाई किलो का जो हाथ है ना ये जब बॉल पर पड़ता है तो बॉल उठता नहीं उड़ उठ जाता है और बिल्कुल यहां पर अब नजीम गुल्ली के लिए अगली दो गेंदे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्नन सेट होकर महेंद्र मागे जिस तरह भिवंडी का बेस्ट फिनिशर है इंडियन टेनिस क्रिकेट को क्या बेस्ट फिनिशर मिला है थोड़ा जल्दबाजी होगी लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन 13 फॉर 1 वन थनी मेट्रिक केरला कन्नन टू फेस नजीम गुल्ली थर्ड फॉर वन सुपर ओवर बढ़िया गेंद नाजिम गुल्ली की अब गुल्ली भी बताते हुए कि ऐसे ही मैंने मेरे बाल धूप में सफेद नहीं किए बहुत अच्छा गैदर किया अच्छी वापसी यहां पर की है थर्टीन फॉर वन यहाँ पर अपील और इसके साथ ही एल बी डब्ल्यू रमाकांत पवार ने दे दिया और एक ओवर के बाद स्कोर है तेरह दो विकेट के नुकसान पर यानी कि दे आर ऑल आउट और चौदह रन चाहिए मैच जीतने के लिए जी सर आपने कहा ये दो गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए इस बीच गेंद कहाँ की थी हवा में स्विंग हुई थी इस बीच इंडेक्स फिगर का इस्तेमाल किया था नाजिम गुली ने और एल डब्ल्यू के रूप में लगने वाला दूसरा झटका तो देखिए सर दो गेंदों के ऊपर दो सिक्सर उसके बाद एक लेग बाई उसके बाद विकेट उसके बाद दौड़ इसके बाद विकेट नाजिम गुली द्वारा आगाज किया जा रहा है मेरा उतरता पानी देख किनारे के ऊपर घर मत बना लेना मैं समंदर हूँ लौट वापस आऊँगा अब वापस आने के बाद यहाँ से दो विकेट लिए दो सिक्सर के ऊपर

और ये लाइव टेलीकास्ट के साथ रहा किया है तो मैं आपको बताता चलूँ ये आज के दिन का पहला मुकाबला है चौरासी रन मैच जीतने के लिए इलेवन क्रिकेट पंडित ने दिया था और चौरासी रन बनाते हुए बल्कि तिरासी रन पर सुपर ओवर तय हुआ सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए तेरह रन दो विकेट पर और तीन बॉल में बारह रन प्रणव ने बनाए सुपर ओवर की पहली गेंद पर लगा हुआ सिक्सर और दूसरा सिक्सर ने यहाँ पर आधार दिया है लेकिन इलेवन क्रिकेट पंडित को कमजोर नहीं समझना होगा क्योंकि इस टीम के पास भी कुछ अच्छे बैटर्स हैं और मेरा ये दिल बोल रहा है कि ये सुपर ओवर भी शायद आखिरी गेंद तक जाएगा जी असर ये दिन मैं कमेंटर राज चौहान बहुत अच्छे से याद रखूंगा कि गुजरात धमाका बिग बेस एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन वहाँ सुपर ओवर जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर के साथ मुझे शेयर करने को मिला था तो मेरी जिंदगी का आज तक का कमेंट्री में सबसे अहम दिन सबसे अहम शाम की पल कही जाएगी देखिए बहुत ही बेहतरीन एटमोस्फियर जैमसन क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर हवा थोड़ी सी बहती हुई हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर तो बेहतरीन सुपर ओवर अब आने वाली छः गेंदों के ऊपर चौदह रन चाहिए अब कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो आने वाला समय बताएगा यहां से हर प्रोडक्शन फेल है लेकिन ये टूर्नामेंट हिट है क्योंकि कल शाम को सर देखिए बारह लाख से ज़्यादा लोगों ने यूट्यूब के ऊपर दो बजे ये मुकाबला देख रहे थे तो ये टूर्नामेंट हिट हो चुका है और फिट हो चुका है और लोग देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर और चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में कि यहां पर तारीफ सैयद हेमंत बनियाल सर ने कमाल कर दिया कमाल तमाल डन well एंड कॉन्ग्रेचुलेन बेहतरीन टूर्नामेंट तो यहां पर अब बोलिंग किसे दी जाएगी अप्पा को देंगे सलीम खान को देंगे या किसी और को देंगे रमीश को गेंदबाजी दी गई गे, जिसने एक ओवर में चार रन दिए थे वही अक्रम बॉनी और विनायक बोईर बॉनी बोनी और विनायक भोईर हवा बहुत तेज चल रही है और तेज हवा का फायदा मिल सकता है और इस वक्त हवा चल रही है भारतीय टेनिस क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ ऐसा ये 77 निक, निकेत स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश 2023 विनायक भोईर और अक्रम बोनी 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 हाँ जी चौदह बनाओगे हाँ जी चौदह बनाने पड़ेंगे राज भाई पहली तीन गेंदे भी उतनी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि जिस तरह प्रणव ने पहली दो बॉल में दो सिक्स लगा दी है और यहाँ पर अगर एक विकेट गिर जाता है तो फिर मैच थनीमा हैट्रिक की और लेकिन अगर एक सिक्स आ जाता है पहली तीन बॉल में कम से कम एक सिक्स तो मैच जो है गर्म रहेगा और मैच ऑन रहेगा सर इसीलिए इसे सुपर कहा जाता है क्योंकि हर गेंद सुपर से ऊपर वाली दोनों के लिए रहती है बल्लेबाज के के लिए और के लिए। और गेंदबाज रमीज़ एंड से बॉलिंग कर रहे हैं और उनके सामने बैटर रहेंगे विनायक बोईर सुपर ओवर का सुपर क्रिकेट और दर्शक इसका मजा लेते हुए पहली गेंद यहां पर खेल दिया है वाइड स्क्वायर और एक को दो में तब्दील किया अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और यहां पर पहुंच गए इसके पहले तहा के पास बॉल जाती तो यहां पर दो रन से शुरुआत करते हुए विनायक भोईर विनायक भोईर काफी स्ट्रांग है बैकड ऑफ स्क्वायर पिछले मैच में भी हमने देखा था दो हुक शॉट्स लगाए थे सर पैंतीस रन जुड़े थे अब अब यहां पर काड़क काड़ा का और ये फ्लैट सिक्स सेवेंटी सेवेंटी सिक्स लगा दिया विनायक बोईर ने उठ बांध कस कमर डरता है क्या आगे आगे देख फिर ऊपर वाला करता है क्या लोअर फुलटॉस ब्लैंक बैरर चेक था निकाल लिए छे स्कोर पहुंचा आठ पर जी सर आपने बताया था मैच शुरू होने से पहले पहले तीन गेंद इंपोर्टेंट है अब सिक्सर आ चुका है दूसरी गेंद के ऊपर स्कोर आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर इस बार ड्राइव कर दिया कम से कम एक रन हासिल करेंगे दूसरे की कोशिश खतरे से खाली नहीं होगी स्कोर आगे बढ़ता हुआ नौ यानी कि अब पहली तीन गेंदों में नौ रन बने हैं और टारगेट चौदह का है यानी कि पांच रन और चाहिए लहराते हुए झंडे इस मैदान की शोभा में अभिवृद्धि करते हुए और भारतीय टेनिस क्रिकेट अब अपने उरूज पर चरम पर नाइन रन अक्रम बोनी बोनी ने इस बार खेल दिया है और बॉल जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चार रन के लिए राज भाई एम केवाय के, के सवारे दुकान शटर ऊपर करो त्यारे बोनी थाय तो दिवस सारो जाए अने बोनी नी बोनी सारी थेल छे जिया सर बैकफुट पर गए और बेहतरीन कवर ड्राइव देखिए इस बीच बोनी का देखिए थोड़ी सी जगह बनाई और एक अच्छे बैकलिप के साथ गेंद को खेला था बेहतरीन शॉट चौका और स्कोर कार्ड के ऊपर 13 रन 11 क्रिकेट पंडित अब अच्छी पोजीशन में दो गेंदे बची हैं और यहां पर एक विकेट गिरेगा यानी कि अब एक बॉल और एक रन चौदह का टारगेट है एक बॉल एक अगर यहां भी अगर सुपर ओवर होता है तो नया सुपर ओवर होगा लेकिन अलग खिलाड़ी आएंगे अब थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है कहानी में ट्विस्ट है, बैटर है। मंगेश भाई दी जहां सर डिसीजन पेंडिंग है देखा जाए तो यहां सिंगल लेके स्ट्राइट करना चाहते थे शायद मुझे ऐसा लगा कि गलत डिसीजन बल्ले के ऊपर अगर आपने पहली इनिंग में तिरालीस रन बनाए तो एक चौका भी लगाए इस बीच सुपर ओवर में तो शॉर्ट खेलना चाहिए था मेरे ख्याल से मेरे तजुर्बे से नहीं बैठ रहे मंगेश भाई थी लेकिन तीसरे अंपायर का इंतजार रहेगा क्या मैच हो रहा है 2023 में 2022-23 के सीजन में बांधकर दो ही चीजों ने रखा एक का ये फेयर डिलीवरी है थर्ड अंपायर ने क्रीज के कोने से इस गेंद को किया था रमीज ने दो हजार तेईस में ऑस्कर में आर 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 का नाटू नाटू और यहां पर सेवेंटी सेवेंटी निकेट स्पोर्ट्स द्वारा धमाका गुजरात बिग बैश ये दोनों ने तहल का मचा दिया क्या एक और सुपर ओवर होगा और अगर ये सुपर ओवर हुआ इंडियन टेनिस क्रिकेट के इतिहास में मतलब बहुत कम बार ऐसा हुआ होगा हरण गांव भी कह रहा है आज जाने की जिद ना करो विनायक भोईर इज द मैन हु कैन डू इट एक बॉल एक रन क्या ये जीत इलेवन क्रिकेट पंडित की होगी या सुपर ओवर होगा या फिर मैच को जीत जाएंगे तनीमा हैट्रिक, केरला जी हाँ हा सर एक अगर सुपर ओवर होता है तो इतिहास में सूनर अक्सर से लिखा जाएगा लेकिन एक रन चाहिए कुछ कहा नहीं जा सकता देखो फील्डिंग को थोड़ा क्लोज किया जा रहा है ठटिया सर्कल के अंदर अगर ये सुपर ओवर हो गया हमारे वड़ा पाव स्टॉल में एक हजार पाव का ऑर्डर और बढ़ जाएगा थर्टीन पो वन रमीश रमीश हीरो बन सकते हैं विनायक बोईर हीरो बन सकते हैं मैच कोई भी जीते आखिर में इंडिया के टेनिस क्रिकेट की जीत हो रही है ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दर्शकों ने दे दिया है जी सर जीत क्रिकेट की होगी जीत गुजरात धमाका का बिग बेस की होगी पैरे को और मजबूत कर दिया गया है वाइडिश फाइनल गया है और यहां पर इस मैच को जीत लिया है इलेवन क्रिकेट पंडित ने लेग बाई के जरिए अभिनंदन आपका इलेवन क्रिकेट पंडित लेकिन मैं दर्शकों से प्रार्थना करूंगा कि के केरला टीम के लिए अगर हम ताली नहीं बजाते हैं तो यह मेरे ख्याल से नाइंसाफी रहेगी वॉट अ मैच प्लेड बाय थनीमा का केरला सुपर डूपर सुपर डूपर क्रिकेट जी हाँ सर बहुत ही बेहतरीन जिसकी कमी थी वो चीज यहां देखने को मिल गई और सुपर ओवर हुआ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां जीत हासिल की है